हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी सुबह का टाइम है, बज रहे हैं सुबह के 7, तो मेरे कपड़े धुल गए हैं। और सुबह सुबह ना इतनी तेज़ धूप होने लगी है, इतनी ज़्यादा कि कपड़े तक धोने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि पूरी धूप ना वहीं रहती है जहाँ पर मैं कपड़े धोती हूँ। तो बहुत तेज़ धूप होने लगी है और सोच रही हूँ शाम टाइम धोए करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लगती है सुबह 7 बजे से। तो मेरे काम तो खैर हो ही गया, कपड़े धुल गए हैं और अभी मैंने ब्रश भी नहीं किया था, तो बस अब मैं मुँह धो लूँगी, फिर उसके बाद मैं चाय नाश्ता बनाऊँगी। तो चलिए बनाते हैं। और मेरे चैनल पर प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं थोड़ा बाल फैल गए थे तो मैंने सिर्फ खोल के और जूड़ा बना लिया है, तो इससे काम आसान हो जाता है, क्योंकि गर्मी सी लगती है ना आजकल। तो अब खुल्ला वैसे रखती नहीं हूँ खुल्ला, पर मैं ऐसे ही बना लेती हूँ, इसीलिए हमेशा जूड़ा ही बनाए रहती हूँ। और काम तो वैसे मैं रात को पूरा कंप्लीट करके सोती हूँ, पर गैस एक बार और ज़रूर पोंछती हूँ, क्योंकि मेरे घर में चूहे ज़्यादा हैं तो वो घूमते रहते हैं, इस वजह से मैं दोबारा पोंछ लेती हूँ। और मैं बना रही हूँ अभी चाय, तो मैं चाय बना लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं नाश्ता बनाऊँगी। और नाश्ता कुछ खास नहीं है, वही है जो आप लोगों को दिखाती हूँ और जो मुझे आसान लगते हैं और कम ऑयल वाले नाश्ता रहते हैं, इस वजह से मैं यही ज़्यादा बनाना प्रेफर करती हूँ। तो मैं बना रही हूँ अभी अप्पे और उत्पम बनाऊँगी। और यहाँ देख रहे हैं कार्तिक सो रहा है, सारे उसके टेडी बेयर वगैरह नीचे फेंक देता है, मतलब बच्चे नीचे कर ही देते हैं, रात में होश थोड़ी रहता है तो वो गिर जाते हैं, तो गिरा देता है, सिर के पास रख कर सोता है। और पता नहीं क्यों सुबह सुबह इस तरह से ना लाड़ करना बहुत अच्छा लगता है कार्तिक को, मैं इस तरह करती हूँ। और यहाँ चाय रेडी हो गई है, तो चलिए चाय तो पी ली हम लोगों ने और अब मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो मैंने एक टमाटर लिया था, एक प्याज लिया था और हरी मिर्चें ली थी, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और अब मैं अप्पे पैन रख दूँगी। हाँ, एक मतलब ये बताना था मुझे, जिनके पास अप्पे पैन नहीं है ना, तो वो तवे पर भी, रोटी वाले तवे पर भी फैलाकर बना सकते हैं, क्योंकि टेस्ट तो वही रहता है, ज़रूरी नहीं है कि अप्पे पैन में अप्पे ही बनाए जाए। तो जिनके पास नहीं रहता है तो वो तवे पर फैला के बना सकते हैं, तो उसमें भी आसानी रहती है, क्योंकि मालूम है बहुत से जन के पास नहीं होता है, मेरे पास भी नहीं था वो, तो मैं ऐसे यूट्यूब में देख के मुझे लगा, तो मैं मॉल से ख़रीद के ले आई, सस्ता मिल गया था उस समय। बहुत टाइम हो गया इसको लाए में, मुझे 2-3 साल हो गए होंगे तब लाई थी मैं, क्योंकि मुझे बड़ा शौक़ है जी इन सब चीज़ों का बनाने का, और ये हर तरह की हर चीज़ मैं ट्राई ज़रूर करती हूँ। तो इस वजह से मैं यूट्यूब में कोई नई नई चीज़ देखती हूँ ना, तो मैं पहले पैसे जोड़ती रहती हूँ, फिर उसके बाद ले आती हूँ। और ये 2 नॉन स्टिक पैन भी लेकर आई थी, एक वो जिसमें मैं डोसा बनाती हूँ और एक ये वाला, पर उस टाइम सस्ते थे और अब तो इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई ना कि और लेने की इच्छा भी नहीं होती है। और यहाँ चाय हमारी दूसरी वाली फिर से तैयार हो गई है, ये दूसरी चाय है, क्योंकि सुबह सिर्फ मैंने बस पी थी। आजकल पता नहीं क्यों हस्बैंड चाय नहीं पीते हैं, सुबह सुबह कहते हैं अच्छी नहीं लगती है, 2-4 दिन हो गए। तो अभी इस टाइम पे नाश्ता के साथ चाय पी लेते हैं थोड़ी सी, और इस तरह इसे फैला के बना सकते हैं तवे पर मैं नॉन स्टिक में बना रही हूँ, आप उसमें भी बना सकते हैं। बस एक काम करें, उसमें थोड़ा सा तेज आंच रखना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद जैसे ही हम ये बैटर फैलाएं, उसके बाद थोड़ा मतलब मीडियम पे कर दें, बिल्कुल धीमी आंच पर, और पकने में 5 मिनट तक।
तो बहुत आसानी से बन जाता है। पहले मैं इसी तरह बनाती थी, कोई नई बात नहीं है। ये सब चीज़ें तो मैं पहले भी बनाती रही, जब मेरे पास अप्पे नहीं थे, तवा नहीं, नॉनस्टिक पैन नहीं थे, तो मैं कुछ में भी इसी तरह बना लेती थी। तो इसी तरह मुझे शुरू से ही आदत है। यहाँ जब तक मेरे दूसरा अप्पे उत्पम पक रहा है, तब तक मैं बर्तन जमा देती हूँ, सुबह की जो रखे हुए थे थोड़े बहुत, तो मैं वहाँ उनकी जगहों पे रख दूंगी और फिर हम करेंगे नाश्ता। तो ये हो गया है रेडी, और ये है मूंगफली और नारियल की चटनी जो मैं बना के रख ली थी, रात को ही मैंने बना ली थी, तो अच्छी बनी थी और बहुत ही अच्छी लगी थी। और अच्छे बनते हैं इस तरह के, ये हैवी भी नहीं होते ज़्यादा और अच्छे होते हैं, क्योंकि ज़्यादा ऑयली वाले भी नहीं होते हैं, कम तेल में बनते हैं, और चावल और ज़्यादा मतलब वो नहीं होता है कि हैवी होता है, तो नाश्ते के टाइम, शाम के नाश्ते के टाइम, किसी भी टाइम खा सकते हैं। और यहाँ मैं बनाने लगी हूँ आलू चने की सब्ज़ी। तो मैं नहा लिया है मैंने, दोपहर का टाइम हो गया है, नाश्ता करने के बाद एक दो घंटे के बाद मैं बैठी रहती हूँ आराम से, फिर उसके बाद मैं नहाना धोना, फिर दोपहर का खाना ही सब चलता रहता है। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के एक, मैं इतना ही टाइम बना रही हूँ आजकल, क्योंकि बहुत ही लेट खा रहे हैं, 2-2.5 बजे तक, कभी कभी तो 3 बजे खाते हैं। तो मैंने सुबह उसी टाइम पे मैंने चने रख दिए थे उबलने के लिए, रात को भिगो दिए थे मैंने, देसी चने हैं, और एक आलू डाल दिया था और उसमें थोड़ी सी हल्दी और नमक के साथ मैंने उबाल लिया है। और यहाँ पे मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। तो मसाले में मैंने एक प्याज, एक टमाटर, लहसुन, अदरक, ये सब चीज़ें मिलाकर, और जो मसाले हैं ना रोटीन के, वो भी मैंने उसी में मिला लिए हैं और मैंने मिक्सी में पीस लिया है। और यहाँ थोड़ा सा तेल डाला है मैंने, ज़्यादा नहीं लिया है, 2-3 चम्मच ही होगा, और अच्छे से मसाले को भून लूँगी। मैंने सारे मसाले, पूरे मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं, अब मुझे कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं नमक डालूँगी और छोले मसाला, जो गर्म मसाला होता है वो। और यहाँ मैं चने बता देती हूँ, ये देखिए कितने अच्छे से पक गए हैं और पीले पीले, मतलब उस टाइम जब हल्दी नहीं डालो ना तो वो एकदम अलग से दिखते हैं, तो अच्छे नहीं लगते हैं, इस तरह से हल्दी डाल के उबालो तो वो सब्ज़ी की तरह दिखते हैं, तो मैं इसी तरह से उबाल दी थी। तो यहाँ पे मसाला चेक कर लेते हैं, अभी थोड़ा सा और भूनना बाकी है, जब तक तेल सेपरेट ना हो जाए जब तक हमें मसाले को भूनना है। तो ये देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे से भून चुका है, और मैं थोड़ा सा और इसे भून लूँगी, फिर इसके बाद इसमें मैं चने डाल दूँगी, ये आलू चने, और अभी इसे 5 मिनट और अच्छे से पका लूँगी। पहले इसमें मैं कर दूँगी, फिर उसके बाद मैं सीधे उसी कुकर में पलटा के सीटी लगा दूँगी, तो उससे अच्छे से चने भी पक जाएंगे, मसाला भी अच्छे से मिल जाएगा चनों में। और ये है छोले मसाला, तो जो मैंने 1 चम्मच के करीब डाला है, और नमक ध्यान में रख के डालना है, क्योंकि हम नमक पहले भी डाल चुके हैं जब हमने चने उबाले थे तब। तो मैंने कुकर में पलटा दी है सब्जी, अभी मैं इसे 1 सीटी लगा दूंगी, तो ये हमारी सब्जी तैयार है। और ये कमेंट आया था मेरे पास कि रेसिपी बताया करें जो भी देखते हैं, तो सबसे पहले तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि चलो आप मेरी वीडियो देखते हैं। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, पर मैं रेसिपी पूरी ज़रूर बताती हूँ, थोड़ा मतलब बोलने में आगे पीछे हो जाता है इसी वजह से, तो मैं हर चीज़ बताती हूँ, ऐसा ना समझें आप। और फिर से बोल रही हूँ आप लोगों से, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को भी, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और खाना वाना खाने के बाद अब थोड़ा सा बैठे लेटे, उसके बाद अब 4 बज गए हैं, तो 4 बजे की अब हम चाय बना रहे हैं, सभी के घर में बनती है। यहीं तक था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आएगा, प्लीज़ पसंद आए तो फिर से बोल रही हूँ लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।